आपका ध्यान उन लोगों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो पेंशनर हैं, ईपीएस पेंशनर 95 की सूची में। बहुत लंबित मांगे उन लोगों की देश भर में चल रही है। देश भर में लगभग 65-70 लाख लोग हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो आज भी इस मांग को पूरी होने की बात जो रहे हैं। सभापति महोदय, इनको जिन्होंने पूरे जीवन भर अपना खून पसीना उस इंस्टीट्यूशन को, संस्था को चलाने के लिए उस मेहनत भर के पूरा जीवन भर लगाया, आज उनको पेंशन के नाम पर 200 से लेकर 3000 रुपया मिलता है। और इस कोविड पैंडेमिक इस कार्यकाल में हम लोग देखे तो उनको चिकित्सा और आम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी बहुत तकलीफ देखनी पड़ी। जिन्होंने पूरा जीवन उस नौकरी में निकाल दिया, आज वो न अपना मकान बना सकते हैं, न बच्चों की शादी कर सकते हैं, न छोटी मोटी जरूरत चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोई उनको लाभ मिल जाता है, लाभ मिल पाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बहुत लंबे समय से इनकी मांगे सरकार के पास पेंडिंग है, इनको आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ देंगे तो इन लोगों को चिकित्सा सुविधा उसके माध्यम से मिल पाएगी, और सोशल सामाजिक सुरक्षा की योजना से अगर जुड़ जाएंगे तो इनको थोड़ा लाभ मिल पाएगा। जो चाहे अर्ध सरकारी नौकरी में हो, चाहे डेयरी में हो, माइनिंग में हो, चाहे छोटे मोटे उद्योग में हो, इन्होंने पूरा जीवन भर निकाला है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए ताकि इनको और उनके परिवार को आने वाले समय की सुरक्षा मिल पाए। मैं उन लोगों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो पेंशनर हैं, ईपीएस पेंशनर 95 की सूची में। बहुत लंबित मांगे उन लोगों की देश भर में चल रही है। देश भर में लगभग 65-70 लाख लोग हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो आज भी इस मांग को पूरी होने की बात जो रहे हैं। सभापति महोदय, इनको जिन्होंने पूरे जीवन भर अपना खून पसीना उस इंस्टीट्यूशन को, संस्था को चलाने के लिए उस मेहनत भर के पूरा जीवन भर लगाया, आज उनको पेंशन के नाम पर 200 से लेकर 3000 रुपया मिलता है। और इस कोविड पैंडेमिक इस कार्यकाल में हम लोग देखे तो उनको चिकित्सा और आम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी बहुत तकलीफ देखनी पड़ी। जिन्होंने पूरा जीवन उस नौकरी में निकाल दिया, आज वो न अपना मकान बना सकते हैं, न बच्चों की शादी कर सकते हैं, न छोटी मोटी जरूरत चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोई उनको लाभ मिल जाता है, लाभ मिल पाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बहुत लंबे समय से इनकी मांगे सरकार के पास पेंडिंग है, इनको आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ देंगे तो इन लोगों को चिकित्सा सुविधा उसके माध्यम से मिल पाएगी, और सोशल सामाजिक सुरक्षा की योजना से अगर जुड़ जाएंगे तो इनको थोड़ा लाभ मिल पाएगा। जो चाहे अर्ध सरकारी नौकरी में हो, चाहे डेयरी में हो, माइनिंग में हो, चाहे छोटे मोटे उद्योग में हो, इन्होंने पूरा जीवन भर निकाला है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए ताकि इनको और उनके परिवार को आने वाले समय की सुरक्षा मिल पाए।